भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बाढ़ राहत को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने भागलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी गई राहत और सहायता की समीक्षा की, जिसमें अब तक 1,04,000 परिवारों को 72 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ से 13,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान हुआ है और प्रभावित किसानों की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेज दी गई है। अगले सप्ताह तक अनुमानित 59 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए 228 अस्थायी चापाकल लगाए गए हैं और 121 टैंकर स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए तैनात किए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 423 सामूहिक किचन चलाए गए ताकि लोगों को भोजन मिल सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो पीड़ित परिवार अभी तक राहत सुविधा से वंचित रह गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक सरकारी सहायता मुहैया कराई जाएगी। बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज हम लोग बाढ़ राहत आपदा पे हम लोग आज बैठक किए। बैठक का मूल ये था कि हमारे इस भागलपुर जिला में जितने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जितना परिवार मेरा प्रभावित हुआ है, उसमें कितने परिवार को हम राहत आपदा से सुविधा मुहैया करा पाए। तो अभी हम लोग करीब 1,04,000 परिवार में 72 करोड़ रुपया का हम लोग अनुग्रह राशि का भुगतान कर चुके हैं। इसी तरह से कई हमारे जो कृषक हैं, जो हमारे जो किसान हैं, जिनका क्षति लगभग 13,300 कुछ एक हेक्टेयर में प्रभावित हुआ है, उनको भी प्रतिवेदन बना के कृषि विभाग को हम लोग भेज दिए हैं, जिसका अनुमानित राशि करीब 59 करोड़ रुपया के आसपास होता है। उनको भी अगले हफ्ते तक उनको भी हम लोग सहायता जो अनुग्रह राशि राहत आपदा से मिलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार जो संकल्पित है, तो हम घर घर तक उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में हम लोग करा देंगे। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने भागलपुर के गोराडी स्थित मध्य विद्यालय अगरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति पंजी की जांच की और छात्र छात्राओं से भी बातचीत की। निरीक्षण के बाद मंत्री संतोष सिंह ने बच्चों के साथ जमीन पर पंक्ति में बैठ कर मध्याह्न भोजन का स्वाद चखा। मंत्री के साथ कहलगांव विधायक पवन यादव ने भी बच्चों के साथ भोजन किया। संतोष सिंह ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की तारीफ की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना की जमकर सराहना की, जिसने बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। भी ठीक ठाक था निरीक्षण में। जो सरकार का जो थीम है, सरकार की जो मंशा है कि हमारे वैसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको खाना से लेकर और अध्ययन से अध्यापन तक, खाना से पढ़ाई तक की व्यवस्था की जाए। और मैंने देखा, मैं स्कूल प्रबंधन को बधाई भी देता हूँ, अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ, बड़ा अच्छा लगा और सब कुछ प्रॉपर वे में चला, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के साथ आपने खाना खाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बचपन याद आ गया। हम लोग बचपन में भी इसी तरह नीचे बैठ के और दरी बिछा के खाना खाते थे, हमें लगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हरियाणा में लगातार जीत की हैट्रिक बनाने और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह और प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में स्टेशन चौक पर एकत्र हुए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अपना परिचम लहरा रही है और आगे भी भाजपा विभिन्न स्थानों पर हैट्रिक बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर हमेशा भाजपा का रहेगा। सुबह के कई चैनलों ने
जो देखा था तो कई हमारे नेता मुंगेरी लाल के हासिल सपना थे, लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि नरेंद्र भाई मोदी का जो काम है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसके संदर्भ में पूरे भारतवासी उनके साथ यात्रा में शामिल हैं। और प्रधानमंत्री की हैट्रिक और हरियाणा की हैट्रिक, ये दोनों हैट्रिक, अब कोई भी चुनाव आएगा तो हैट्रिक पे हैट्रिक, दूसरा कोई टक्कर में नहीं है। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। शहर में पूजा की भव्य तैयारियां भी जोरों पर है, जहां मंदिरों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही डांडिया और गरबा का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। भागलपुर के गौशाला ग्राउंड में युवाओं द्वारा गरबे की रात नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सप्तमी की रात को डीजे पर युवक युवतियां गरबा और डांडिया पर झूमते नजर आएंगे। इसके अलावा सप्तमी के दिन छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर गौशाला में गायों की सेवा भी की जाएगी। आयोजकों ने यह बताया कि डांडिया के दौरान भोजपुरी अश्लील गानों के बजाय बॉलीवुड के अच्छे गाने और भक्ति गीतों पर लोग नृत्य करेंगे, जिससे कार्यक्रम का माहौल अधिक पवित्र और मनोरंजक रहेगा। हमारा डांडिया नाइट का जो प्रोग्राम होने वाला, जो दिन का प्रोग्राम है, वो जो है उसके लिए कोई पासेस नहीं लग रहे हैं। तो मैं भागलपुर वासियों को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग आकर इस जो कार्यक्रम हो रहा है उसको जरूर देखें। इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं है, सिर्फ एंट्री पासेस जो है वो शाम के कार्यक्रम के लिए है। और शाम का प्रोग्राम आप लोग एंजॉय करिए। और इसके यहाँ पर लाइव ढोल होने वाला है, जो हम लोग ढोल जो है वो बाहर से बुला रहे हैं। और ऐसे कुछ कुछ हम लोग कुछ एक्साइटिंग और भी कुछ रखने वाले हैं, जो सब कुछ अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी सारे भागलपुर वासियों से कि आप लोग बेफिक्र होकर गरबे की रात में आइए और इंजॉय करिए। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो हमारे माइंड में आती है कि गर्ल्स की सेफ्टी, तो मैं ये कहना चाहूंगी जो भी पेरेंट्स हैं, सब कुछ चिंता हो रही होगी कि हमारे बच्चे ने पासेस ले लिया है और अब क्या होगा, वहां पर सेफ्टी है कि नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे गर्ल्स की पूरी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए और आप लोग खुद भी आइए और यहाँ एंजॉय करिए। भागलपुर से हैं और घर बनवाने, घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी एक सुनहरा मौका, जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीदा डिजाइन करवाने का मौका। जमीन का नक्शा से लेकर भवन निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन, फिनिशिंग जैसे टाइल, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर इत्यादि सारा काम होता है। तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी, SP कोठी, तिलका मांझी, भागलपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7545801487, दूसरा नंबर है 9304630172। भागलपुर के साकुन थाना क्षेत्र में एक निजी हॉस्टल में 8 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत से परिवार में शोक की लहर है, जबकि पिता न्याय के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल यह घटना बीते बुधवार देर शाम की है, जब लकी कुमार, जो कि मधेपुरा के चौसा निवासी शिक्षक सौरभ कुमार का पुत्र था, की मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। लकी भागलपुर के किरणपुर स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। मृतक छात्र के पिता सौरभ कुमार, जो स्वयं एक सरकारी शिक्षक है, ने स्कूल प्रशासन पर अपने बेटे की मौत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके बेटे की स्कूल में पिटाई हुई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बच्चे के मुंह और नाक पर चोट के निशान भी मिले हैं। सौरभ कुमार के अनुसार गाँव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि उनका बेटा गंभीर हालत में था। जब वे पहुंचे तो बच्चा एक निजी अस्पताल में था, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर DSP लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। 2 अक्टूबर 2024 की घटना है सर। मेरा माउंट जॉन एकेडमी
किरणपुर शाहकुंड जिला भागलपुर के अंतर्गत आता है, उस विद्यालय में पढ़ता था। मेरे दो लड़के हैं, बड़े लड़के उज्जवल आनंद हैं, दूसरा लड़का सर लक्की आनंद है। और लक्की आनंद को जो वर्ग तीन का छात्र था और उसे विद्यालय प्रबंधक के द्वारा मार मार के हत्या करके उसको जान मार दिया गया सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर सौरभ कुमार। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली थी? इसकी जानकारी सर मेरे गांव के विपिन भैया हैं, विपिन कुमार जायसवाल, उनका भी बच्चा वहां दो लड़का पढ़ता है सर। वो गए थे अपने बच्चे को लाने के लिए, संयोग से हम लोग भी साथ जाते थे, लेकिन हम पेशा से टीचर हैं सर, जिसके कारण हम सर विद्यालय छोड़ के नहीं जा सके। हम बोले कि ठीक है आप जाइए, क्षेत्र में सोमवार को, उससे दो दिन पहले मेरे बच्चे से रात में बातचीत हुई थी, बच्चे अपना हालचाल बताए कि 6 तारीख को पापा आइएगा, छुट्टी हो रहा है और हम लोग घर चलेंगे। 5 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग रखा गया है, मीटिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट कार्ड सब दिखाया जाएगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा 6 तारीख को। तो मेरे घर में मेरी वाइफ बात की और मेरी मम्मी बात की, सब हालचाल उससे जाना ठीक ठाक रहा, कोई तरह सामान्य स्थिति में बढ़िया रहा। बोले एग्जाम के बारे में बताया, एग्जाम अच्छा गया है। भागलपुर पुलिस हेडक्वार्टर के SDPO 2 मोहम्मद अयूब ने पीरपैंती अंचल कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता और विभिन्न थाना अध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी और समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पूर्व में दर्ज मामलों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। इसके साथ ही जब्त शराब के विनिष्टीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया और पुलिस अधिकारियों को कुर्की वारंट की तामील समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। बैठक में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी के सहयोग की अपील की गई। मद निषेध के तहत सघन छापेमारी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। अपराध और उग्रवाद नियंत्रण के लिए थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान तेज करने के निर्देश जारी किए गए। SDPO 2 मोहम्मद अयूब ने लंबित मामलों के अनुसंधान को जल्द से जल्द पूरा करने और पुराने कांडों का शीघ्रता से निष्पादन करने पर जोर दिया। बैठक में SDPO अर्जुन कुमार गुप्ता, अंचल इंस्पेक्टर अरुण कुमार, पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, इसीपुर और इकचारी थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के RBSS रोड पर स्थित कचरा डंपिंग पॉइंट को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस स्थान पर कचरे का सही तरीके से निस्तारण नहीं हो पा रहा था, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि RBSS रोड पर बने कचरा डंपिंग पॉइंट को हटाया जाएगा। अब इस रोड पर स्थित सभी होटल, विवाह भवन और रेस्टोरेंट से नियमित रूप से डोर टू डोर कचरा उठाव किया जाएगा और कचरा सीधे कनकैती में डंप किया जाएगा। बैठक में वार्ड पार्षदों के साथ महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, जोनल प्रभारी और नगर निगम के कई कर्मचारी भी उपस्थित थे। ये बैठक जो RBSS रोड है उसमें कचरा डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ से कचरा का उठाव प्रॉपर हो नहीं पाता है और वहाँ उस रास्ते से चलने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो उसी के मद्देनज़र आज बैठक किए थे कि डंपिंग पॉइंट को ही हटाया जाए और जो डंपिंग पॉइंट है उसको अच्छे से सुसज्जित करके, पेड़ वेड़ लगा करके और वेस्ट टू वंडर जो है वो लगा करके और डंपिंग पॉइंट हटा के जो हम लोग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जितना भी उस रोड में होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, विवाह भवन है, छोटे छोटे दुकान हैं, सबके यहाँ से कचरा कलेक्ट होगा और तय समय पे जा करके वहीं से उठा करके डायरेक्ट कनकैथी ले जाया जाएगा उस कचरे को। भागलपुर कोर्ट परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा भागलपुर के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी न्यायाधीशों ने उत्साहपूर्वक 6 वृक्ष लगाए, जिसमें
तीन चंदन और तीन रुद्राक्ष के पौधे शामिल हैं। डालसा के सचिव ज्योत्सना कुमारी ने बताया कि इस वृक्षारोपण का उद्देश्य वातावरण को स्वच्छ रखना है। उन्होंने नवरात्रि के मौके पर माता रानी के नाम से पौधे को लगाने की बात कही। ज्योत्सना कुमारी ने यह भी कहा कि हम सभी एक दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन वास्तव में हर दिन को पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखना जरूरी है।